हाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ व मुअक्कर उलमाए किराम बिलखुसूस फजीलत शेख मौलाना ज़ियाउल हक साहब डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब मदरसे की कमेटी के प्रेसिडेंट मदरसे के नाज़िम और मंजला डी और उसके इर्द गिर्द से क़ुरब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात पर्दा नशीन इस्लामी ख़्वातीन माँ और बहनों बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम आपने यहाँ मुनाकिद किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप और आपकी मदरसे की कमेटी ने बहुत ही उम्मीदों के साथ इस इजलास को यहाँ मुनाकिद करवाया है और ये मैं जानता हूँ कि मुझसे ये 22 फरवरी की डेट जो ली गई है इसके लिए मदरसा कमेटी के नाज़िम को जनाब मौलाना अशरफ साहब को कहां कहां और कितने लोगों से बात करनी पड़ी
और कितने लोगों को बीच में डालना पड़ा मुझे इस बात का अंदाजा है। तब जाकर ये डेट मिली थी और बहुत ही अच्छा नज्म व नस्क आपने किया भी था, लेकिन इंसान कोशिशें करता है और उसके अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई भी ईमान नहीं लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की तो उनके ऊपर सिर्फ 80 लोग, 40 मर्द और 40 औरतें इस्लाम लाईं। कहने का मकसद ये है कि कोशिशें इंसान करता है और उन कोशिशों को बरुए कार अल्लाह की ज़ात लाती है। यकीनन आपने मेहनत की और आप उसके मुबारकबादी के मुस्तहिक भी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ और मंजूर था और हल्की फुल्की बारिश और उसके कतरात आए। बहुत से लोग चले भी गए और जलसा जिस तरीके पर होना चाहिए था बहरहाल उस तरीके से नहीं हो सका। फिर भी आप बैठे हैं यहाँ और पंडाल में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है आपकी अच्छी खासी तादाद अभी भी बैठी हुई है। आम तौर पर मैं जलसों में अब यूट्यूबर चैनल्स को मैं मना कर रखा हूँ और किसी भी किस्म की कोई परमिशन अब मैं किसी जलसे में उनको नहीं देता हूँ, लेकिन आज मैंने परमिशन दे दी है। ठीक है, कर लो रिकॉर्ड, बना लो वीडियो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज हमारी इस परमिशन को आप डेली की परमिशन पर महमूल कर लें। यह परमिशन सिर्फ आज तक की है और इसको आप हमारी रहमो करम का नाजायज फायदा ना उठाएं। यह ना सोचें कि अब कल भी जहां प्रोग्राम है उधर भी पहुंच जाएंगे, परसों जहां प्रोग्राम है उधर भी चले जाएंगे, मौलाना को रहम आ जाएगा। मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, मैं भी किसी बाप का बेटा हूं। हमारे जेल में जाने के बाद बहुत रोई है माँ, बहुत रोए हैं बाप, और वो सिर्फ आप लोगों की हरकत की वजह से। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर परमिशन नहीं दूंगा। आज बारिश हो गई है, जो सोच कर मैं आया था, जिस टॉपिक को मैं जो उठाना था वो मैंने छोड़ दिया है, अब दूसरा कोई टॉपिक इस्लाही टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए इस टॉपिक के अंदर मुझे कोई ख़तरा नहीं है, आप उसके थंबल को बिगाड़ नहीं सकते हो, इसलिए मैंने परमिशन दे दी। लेकिन आज के बाद आप हर जगह इसको परमिशन न समझें। मेरे भाइयों, डॉक्टर जाबिर साहब ने अभी आपके सामने खिताब किया और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुख्तसर अंदाज में मगर जामे बातें आपके सामने की, और उन्होंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 से 10 औसाफ बताए हैं। ये मुसलमानों मोमिनों के अंदर ये वस्फ या औसाफ पाए जाने चाहिए, और उन औसाफ को जिनके अंदर वो 10 सिफतें पाई जाएंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मगफिरत की खुशखबरी सुनाई है कि इनकी मगफिरत है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2-3 चीजों की तरफ इशारा किया है, वो भी हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। पहली चीज बताई है तिलावत कुरान पाक, दूसरी चीज बताई है इकामत सलात, और तीसरी चीज बताई है जिक्र इलाही। आज मैं आपको थोड़ा सा इस चीज से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
इस आयत के अंदर तिलावत कुरान का जो हुक्म दिया है उसका मकसद क्या है? इकामत सलात का जो हुक्म दिया है उसका माना क्या है? और जिक्र इलाही से क्या मतलब है? उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। पहले इसके तर्जमे पर गौर कीजिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई, यानी कुरान की। जहन बनाइएगा, अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि तिलावत का हुक्म दिया है। तिलावत किसको कहते हैं और कुरान का पढ़ना क्या है, आज ये समझाने की कोशिश करूंगा मुख्तसरन। फिर दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, दूसरा टुकड़ा, वह अकीम सलाह, नमाज कायम करो। यहां भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। नमाज का पढ़ना क्या होता है और नमाज का कायम करना क्या है, आज मुख्तसरन इख्तिसार के साथ मैं इसको भी बताने की कोशिश करूंगा। हम नमाज पढ़ते हैं या कायम करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं, और तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाई वाला जिक्रुल्लाही अकबर। अल्लाह का जिक्र बड़ी बुलंद चीज है, बहुत बड़ी चीज है, यानी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र करते रहो। जिक्र इलाही क्या है? वाला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन, और दुनिया में जो तुम करते हो अल्लाह उनको जानता है। जो कुछ भी तुम करते हो, अच्छा बुरा, जो कुछ भी तुम दुनिया में कर रहे हो, अल्लाह पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है कि उसको लात मारो तो गिर जाए, हथौड़ा मारो तो टूट जाए, कुछ भी करते रहो तो फर्क नहीं पड़े, हैं? वो आपको जवाब ना दे तो अल्लाह को पत्थर की मूर्ति की तरह मत समझ लेना। वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन, तुम जो कुछ भी इस धरती पर करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है, अल्लाह उससे बाखबर है। तीन चीज है। कुरान का पढ़ना अलग चीज है। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, आप देखिएगा मस्जिदों में तरावियां होंगी, अक्सर मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती हैं, और आखिरी रमजान से रोजे से पहले कुरान मुकम्मल होता है। कुछ मस्जिदों में 10 15 20 दिन में कुरान मुकम्मल होता है, और बहुत से लोगों को जो ऑफिस वाले होते हैं, जो ड्यूटी वाले होते हैं, जो सर्विस वाले होते हैं, जिनको पूरे महीने मस्जिद में नहीं आना है, तो वो किसी किराए के ठेकेदार को, किसी किराए के टट्टू को, किसी हाफिज को एक दिन के लिए बुक कर लेते हैं, और इशा की नमाज के बाद उससे कहते हैं तुम्हें तरावी पढ़ाना है और सुबह सहरी से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेना है, और हम तुम्हारे पीछे आज की रात जाग लेंगे, कुरान सुन लेंगे, और उसके बाद पूरे महीने हमें भी छुट्टी मिल जाएगी और तुम्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। और वो बेचारा हाफिज जो किराए पर बुक होकर आता है वो फिर कुरान पढ़ना शुरू करता है, अल्लाहु अकबर, और गैरिल मग़दूबे अलैहिम वलज़ालीन तक गाड़ी सही चलती है, उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड जो बढ़ाता है अलिफ लाम मीम के बाद। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك। आपको बस आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, या लमून तालमून, और उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। यह है कुरान का पढ़ना, और अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। एक नया मकान बनाया, कुछ लोगों को बुला लिया, साहब हमने नया मकान बनाया है, ये नई दुकान खोली है,
एक पारा तुम पढ़ दो, 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 सबके हाथ में एक एक पारा पकड़ा दिया और सबने 30 पारे पढ़ दिए, हो गई घर में बरकत। अब जिंदगी भर उसमें शैतान नहीं आएगा, चाहे उसमें कितना भी टीवी चलाओ और तुम्हारी बीवी चाहे कितना भी ड्रामे और नौटंकी देखती रहे। सास भी कभी बहू थी, अलिफ बाबा 40 चोर, कुछ भी सुनती रहे, अब उसमें शैतान नहीं आएगा, क्योंकि आपने किराए के ठेकेदारों को बुलाकर एक दिन कुरान पढ़वा लिया। यह है कुरान पढ़ना। कोई आदमी मर गया, उसके मरने के बाद चंद लोगों को बिठा के एक एक पारा पकड़वा दो और पूरा कुरान जब हो जाए तो बख्श दो मरने वाले को। अब मरने वाला सीधा जन्नत में चला जाएगा, चाहे उसने दुनिया में जितनी भी शराब पी हो, जुआ खेला हो, चोरी की हो, जिना किया हो, बेईमानी की हो। इन बच्चों पर तो कंट्रोल करो, अब तो ज्यादा भीड़ नहीं रह गई है। इन रजाकार लोगों, इनसे कहो कि ये तो जाए, शोर न करो। ठीक है, वहां ले जाएं, लेकिन आवाज ना करें। जो कुर्सियां खाली हैं वो ले जाइए, लेडीज में दे दीजिए, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं। तो वो अब सीधे जन्नत में चला जाएगा। अरे कुछ कम जर्फों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने एक जुर्म अजीम ये भी किया था कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद इंदिरा गांधी की समाधि पर गए और इंदिरा गांधी की समाधि पर जाने के बाद उन्होंने कुरान पढ़ा और तीन तीन कुरान पढ़ के बख्शे गए। इंदिरा गांधी की समाधि पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने 3 मर्तबा कुरान पढ़ा। अब बताइए, कुरान पढ़ के इंदिरा गांधी को भी कह रहे हैं कि जन्नती हो जाएगी, उसको बख्श रहे हैं। ये जमीर फरोश मुसलमानों की कमी नहीं रही है, इसको कहते हैं कुरान का पढ़ना। और अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। हुक्म किसका दिया है, सुनिए, तिलावत का। ओ तो लोमा ओहिया इलैका मिनल किताब, आए नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ वही की गई। अल्लाह ने वही की गई यानी उसकी, यानी कुरान की तिलावत का हुक्म दिया है। और अहले इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं, तिलावत किसको कहते हैं। तिलावत का मतलब क्या है? तिलावत ये मसदर है और तला यतलु तलवन व तिलावतन, तला यतलु बाबे नसरा से आता है। तला यतलु का माना अरबी जबान में होता है पीछे पीछे चलना। अरबी जबान में तला यतलू का माना होता पीछे पीछे चलना, और उसी से मुश्तक तिलावत, यानी कुरान की तिलावत करो का मतलब यह है कि कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, अब इस पर अमल करो, यह है पीछे पीछे चलना। दूसरी आयत पढ़ी, उसके पीछे यानी अमल करो। तीसरी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। चौथी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। कुरान को समझो ज्यादा और पीछे पीछे चलो। और जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है वो खतरनाक जानवरों और दरिंदों चरिंद से महफूज रहता है। आप देख लीजिए जंगल में, देख लीजिए, एक मुर्गी अंडों पर बैठती है और जब उससे बच्चे पैदा होते हैं निकलते हैं तो मुर्गी जहां जाती है अपने बच्चे अपने पीछे पीछे ले जाती है, और जब कोई बिल्ली को देखती है तो वही मुर्गी पर फैलाकर अपने बच्चों को अपने अंदर समेट लेती है। जो बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं वो महफूज रहते हैं। हम और आप कुरान के पीछे पीछे चलेंगे, महफूज रहेंगे, तमाम दुनिया की शर पसंद और बदकमाश कौमों के शुरूर और फितन से, उनके शर और फसाद से हम महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? हमें कुरान के पीछे पीछे चलना। अल्लाह हम सबको हज की या उमरे की तौफीक अता फरमाए। आप जाइएगा
तो अरब के अंदर एक बच्चा है ऊंटनी का, अरब उस ऊंटनी के बच्चे को तिलव कहते हैं, तिलव। हाजा तिलव, जानते हो ये तिलव कौन सा बच्चा होता है? थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिए, मैं जानता हूं एक तो बारिश हो गई है और दूसरी फिर रात का इस वक्त 12:30 से ज्यादा हो गया, 1:15 बजने वाला है। जब बारिश हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि चलो अब हमको जल्दी टाइम दे देंगे 10:30 बजे के आसपास, लेकिन जो टाइम आपने बताया था वही टाइम बारिश होने के बाद भी दिया, तो मैंने सोचा बारिश होने का फिर फायदा क्या हुआ। हमसे कहा था 1 बजे हम आपको टाइम दे देंगे, और यहां स्टेज पे आते आते फिर सब 12:15 बजे जब टाइम मिला तो थोड़ा ही तो पहले मिल गया। तो मेरे भाइयों, फिर भी आप अभी तक जमे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, तिलव अरब में उस ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं अरब के लोग, जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है। ऊंटनी जिस जंगल में, उसका बच्चा मां के पीछे पीछे, वो जहां जा रही है बच्चा वहां, जिस झाड़ी में गई बच्चा वहां, जिस पहाड़ी पर गई उसका बच्चा वहां। अरब ऊंटनी के इस बच्चे को कहते हैं हाजा तिलव, ये तिलव है, यानी अपने मां के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने मां के पीछे पीछे चलने वाला। अरब इस बच्चे को क्या कहते हैं? तिलव, अपने मां की फरमा बरदारी करने वाला, अपने मां के कदम पर चलने वाला, अपने मां के नक्शे पा पे चलने वाला, अपने मां के नक्शे कदम चलने वाला। उस बच्चे को अरब क्या कहते हैं? तिलव। उसी तिलव से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है, और वो खतरनाक जानवर शेर और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान की तिलावत करोगे तो दुनिया की सारी कौमों के शर से और उनके फितने से महफूज रहो, हम तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे वो तिलव है, उसी तिलव से बना है तिलावत, यानी तिलावत करने वाला भी महफूज रहता है दुनिया के फितनों से। इसका एक मतलब यह हुआ कि आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते। मफहूम मुखालिफ निकालना सीखिए, उसूल फिकह की किताबों में भरा पड़ा है, उल्टा मफहूम निकालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कहा तिलावत करो, ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, हम तिलावत करेंगे तो महफूज रहेंगे। आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बैठ गए, ओ मैंने कुरान पढ़ा रमजान में कितना, अरे मैंने 10 कुरान पढ़े, 5 हो गए, अरे आज मेरी बेटी का 5वां कुरान चल रहा है, 6ठा चल रहा है, 8वां चल रहा है। हम 1 महीने रमजान में 4 कुरान पढ़ते हैं, 5 कुरान पढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, अल्लाह ने तिलावत के लिए कहा है, तिलावत करो, तिलावत करो। आज देख लीजिए, इमाम साहब जब रमजान के अंदर दुआए कुनूत पढ़ाते हैं ना, तरावी के बाद कुनूत पढ़ते हैं ना, तरावी आप पढ़ते होंगे रमजान में, तो हाथ उठाकर आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पीछे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदायत, आप कह रहे हैं आमीन, अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदायत, वाफिनी फी मन आफायत, वतवल्लनी फी मन तवल्लायत, वकनी शर्रमा कजायत, आप सब में आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पूरी दुआ में आप आमीन कहते हो। इस पूरी दुआ में ऐसी चीजें भी मौजूद है जहां आमीन नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप उस पर भी आमीन कहते हो, आप उस पर भी आमीन कहते हो। क्यों? इसलिए कि हम अरबी से वाकिफ नहीं है, हम जानते नहीं है कि कहां आमीन कहना चाहिए और कहां नहीं कहना चाहिए। मेरे भाइयों, यही हाल कुरान के पढ़ने का है, हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि कुरान कहां हमें जाने का हुक्म दे रहा है, कहां जाने से रोक रहा है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुरान ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, कुरान ने तिलावत करने के लिए कहा है, कुरान ने तिलावत करने। सऊदी अरब में जब आप जाएंगे, उमरा करेंगे रमजान के महीने में, देखिए इमाम हरम तिलावत कर रहे होते हैं, और जब आयाते जहन्नम पर पहुंचते हैं तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं, और आप देखिए खाने काबा के अंदर कितने लोग रोते हैं, वो सब अरबी लोग होते हैं जो रोते हैं, इसलिए कि वो अरबी में कुरान की आयतों का माना समझ रहे हैं, जहन्नमी आयाते जहन्नम का माना समझ रहे हैं,
अजाब जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है, इसलिए वो समझ रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, यहाँ इमाम पूरा कुरान पढ़ाता है, रमजान में तरावी में पूरे महीने तरावी पढ़ाता है, बताओ तरावी पढ़ते वक्त कौन सा मुसलमान रोता है? हमारी मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती है, बताओ कितने मुसलमान कुरान की तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कितने लोग रोते हैं? नहीं रोते, इसलिए नहीं रोते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आयाते जहन्नम कहाँ है, आयाते अजाब कहाँ है, हैं? जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम रोते नहीं है, और जब रोते नहीं है तो इसलिए हमारी नमाजें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, हमें मालूम ही नहीं। اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا, آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ ہوتا ہے لے کے بیٹھ گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پڑھ لیجئے, دو پارا پڑھ کے ہٹ جائیے, پھر ایک گھنٹے بعد پھر پڑھیے, اور ایک دن میں 10 پارے پڑھے, دوسرے دن میں پھر پڑھے, تیسرے دن میں پھر پڑھے, پورے مہینے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ تو لیا آپ نے, پورے مہینے میں 10 قرآن پڑھ تو لیا آپ نے, لیکن معاف کیجئے گا, پڑھا ہے آپ نے, تلاوت نہیں کی آپ نے, تلاوت نہیں کی۔ اور تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, رب کے معنی پالنے والا, وہ ساری کائنات کو پالتا ہے۔ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے, حیوانوں کو بھی پالتا ہے, دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے۔ اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ, مسلمانوں کو دے, ایسا نہیں۔ پرورش کا مطلب سب کی, یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے, ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے, سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے, عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے, وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے۔ ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, ہم یہ سبق ملتا ہے۔ اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا معنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا, بیٹھو کھانا کھاؤ, اور جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا کہا بسم النار, آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا, اے رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ, یہ لقمہ, یہ کھانا میرے رب نے, میرے اللہ نے دیا ہے, اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا, آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں, میرا خدا تو آگ ہے, میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو, یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے, ہم تمہیں نہیں دیں گے, اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو۔ چھوڑ دیا بوڑھا, چلا گیا۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا, جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا, اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا۔ اس بوڑھے کو پکڑ کے لائے ابراہیم, کہا بابا کھا لو۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا, کچھ نہیں, کھانا کھا لو۔ اس نے کہا آگ کا نام لوں گا۔ ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو, اچانک بدل کیسے گئے ہو؟ اے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آ گئی, ابھی تو مجھے بھگا دیا, اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن کھانا کھا لو۔ فرمایا اے بزرگ, اے مجوسی, اے بوڑھے, جب تو یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا, اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے۔ اے ابراہیم 90 سال میں اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا۔ اے ابراہیم 90 سال تک اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا, لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا, پھر بھی اس کو پلاتا رہا, پھر بھی اس کو دیتا رہا۔ جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا, جب مجھے برا نہیں لگا, آج وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا, مجھے برا لگا, کھلانے والا میں, پلانے والا میں, جب مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ, وہ بوڑھا کسی کا بھی نام لے, کھانے دو,
मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई बूढ़ा कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन का माना समझ में आता है कि देखिए उस बूढ़े ने कहा अच्छा इतना मेहरबान है तुम्हारा रब, तो कहा इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, उसके बाद खाना खाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान की तिलावत करेगा वो समझेगा अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा और रहमान रहीम क्यों कहा। रहमान का मतलब भी बहुत रहम करने वाला और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला। जब रहमान कह दिया था तो फिर रहीम कहने की जरूरत क्या थी। जब रहमान का माना बहुत रहम करने वाला तो हो गई थी बात, जब रहमान का मतलब बहुत रहम करने वाला तो रहीम फिर क्यों पेश किया। और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, क्या तर्जमा करोगे। और रहमान रहीम जो बड़ा ही रहम करने वाला बहुत ही बड़ा मेहरबान है, दोनों का माना तो एक है। तो जब रहमान कह दिया तो रहीम की जरूरत क्या है सोचोगे। इसी को कहते हैं तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। रहमान में और रहीम में क्या फर्क है, रहमान किस रहमत को कहते हैं और रहीम किस रहमत को कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें सोचने की हैं। इसलिए कुरान को पढ़ने से निकलिए और कुरान की तिलावत की तरफ आइए। अपने घरों में तिलावत कीजिए, अपने बेटों से भी करवाइए, बेटियों से भी करवाइए, बीवी से भी करवाइए, बच्चों को भी कुरान की तिलावत का हुक्म दीजिए। हम तो ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कठमुल्ला ने कह दिया है तुम्हारे घर में जादू का असर है, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाएगी। अब ना हम पढ़ रहे हैं, ना हमारी बीवी पढ़ रही है, ना बेटी ना बेटा। अब हमने मस्जिद के हाफिज जी को बुला लिया, हाफिज जी रोजाना जोहर के बाद आया करना और हमारे घर में सूरह बकरा की तिलावत करना, 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत करो, हम 40 दिन के बाद इंशाल्लाह तुम्हें मेहनत मजदूरी और तुम्हारी मेहनत का हम जरूर इंशाल्लाह सिला देंगे तुम्हें, हम नवाजेंगे तुम्हें इनाम से। और हम मस्जिद के हाफिज जी को बुला के पढ़वा रहे, तेरे घर में सब मर गए थे पढ़ने वाले। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आज 40 दिन हमें अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने घर से शैतानी असरात को दूर करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का। हम मस्जिद के इमाम को या किसी हाफिज को ढूंढ के लाते हैं और 40 दिन अपने घर में कुरान पढ़वाते हैं और 20 दिन के बाद पता चलता है हाफिज भी गायब, घर वाली भी गायब, बीच में लेके भाग गया और तिजोरी खोल के देखी तो सोना चांदी भी गायब। कोई बड़ी बात है, पाकिस्तान से जब सीमा हैदर आ सकती है चार चार बच्चों को लेकर, हम कहां पड़े हैं, कैसे भरोसा कर लेते हो। ना हाफिजों पर भरोसा करने की जरूरत है, ना मौलवियों पर, शैतान सबके साथ लगा होता है। कैसे तुम फरिश्ता समझ लेते हो, अपनी जवान बेटियों को बिठाल देते हो, कहता है वो झूम रही हूं और ये कठमुल्ला कह रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। अबे उसके ऊपर असर नहीं, तेरी खोपड़ी पर असर है, बेटी पर नहीं, उस मौलवी पर असर है। भोपाल में एक बार ऐसा मंजर आ गया था मेरे सामने, लोगों ने कहा करो मौलाना, हमने कहा अरे भैया मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, इसके लोग अलग होते हैं। कहने लगे मौलाना देख तो लीजिए चल के, हम लोग देखा कर, ओ, 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 बाल खुले हो, हमने ये क्या कर रही है। कहा मौलाना यही तो हाल है, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, इलाज कराते कराते परेशान। अब वो लड़की कह रही है ये क्या करेगा कल का लौंडा, हमने उस वक्त हमारी उम्र कम थी 15 साल पहले की बात, ये क्या करेगा कल का छोकरा। और हकीकत में हम कुछ करना जानते वानते नहीं थे। हमने कहा भैया बाहर निकले, हमने उसके बाप से कहा किसी और को ढूंढो, हमारे बस की बात नहीं है, चल रहे। अरे मौलाना कुछ, हमने कहा सुनो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, लड़की के सामने हमने कहा, और हमें मालूम नहीं था हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमने धूल में लाठी मारी उसकी लड़की के सामने। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी को, उसकी लड़की के सामने नहीं कहा, अलग कहा। मैंने कहा सुनो तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो नौटंकी लग रही है, बर्बाद हो गए, बोला था इलाज करा करते आप नौटंकी कह रहे हो। हमने कहा सुनो हमें ऐसा लगता कहीं प्यार व्यार का चक्कर है, तुम्हारी लड़की किसी स्कूल में जाती है क्या। हाँ। हमने कहा बस। बोला क्यों। हमने कहा वहां किसी लड़के से प्यार है इसको। इतनी जोर से हंसने की जरूरत नहीं है भाई,
वहां किसी लड़के से प्यार है इसको, और उसकी शादी आप लोग उसके साथ होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि या तो मजहब का मामला होगा या बिरादरी का कोई मसला होगा, कोई मैटर है और आप लोग होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये नौटंकी कर रहे। अक्सर लड़कियां यही करती हैं, जो लोग अपने बेटियों से बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी लड़कियों से परेशान हैं, तो जरा मौलाना जर्जीज की बात भी मानकर देख लेना, मैं आपको सही बतला रहा हूं। ये अक्सर प्यार मोहब्बत का, मौलवी आपको बेवकूफ बनाएगा, मौलवी क्या कहेगा मालूम है, जिन्नात का असर है। क्यों? अरे खूबसूरत लड़कियों पर जिन्नात आते हैं, जिन्नात उनसे शादी करना चाहते हैं। अबे मौलवी तेरी खोपड़ी में क्या भैंस का गोबर भरा है, सिर्फ मुसलमानों की लड़कियां ही खूबसूरत हैं? ये ताजमहल घूमने के लिए जितनी अंग्रेज औरतें आती हैं स्कर्ट पहनते हुए, बाल खुले हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, और फिल्मी दुनिया में जितनी हीरोइनें हैं इनकी ऊपर तो कभी कोई जिन्नात नहीं आया है, सिर्फ ये सारी खूबसूरती मुसलमान लड़कियों के ऊपर है। हमें बेवकूफ समझते हो? ऐसे मौलवी बेचारे जिस स्कूल से पढ़ते हैं ना, हम उस स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं, हमें बेवकूफ बना तो खूबसूरत है इसलिए इनके ऊपर जिन्नात आ जाते हैं। खूबसूरत लड़कियां सिर्फ मुसलमानों के घरों में, गैर मुस्लिमों के घरों में नहीं है, अंग्रेजों में नहीं है, ये घूमने आती है दिल्ली, बंबई का ताज होटल, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, ये सब जो घूमने आ रही हैं, इन औरतों के ऊपर तो हमने कभी नहीं देखा कोई जिन्नात हो। हमारी लड़कियां ही लगता है जन्नत से उतारी हुई हूर है, इसलिए आ जाते हैं। तो हमने उस लड़की के सामने कहा चलो अभी देखो तजर्बा करके देखता हूं, हो सकता है देखे। तो अब लड़की कहते हो ये आया है कल का छोकरा, ये क्या दूर करेगा। हट, हट। हमने कहा, हमने अरे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा वाला है। देखिए अब हमने उसके सामने नौटंकी की, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है। हमने कहा तेल लाओ, 1 किलो सरसों का तेल मंगाया, कढ़ाई पे रखा, उस लड़की के सामने स्टोव जलवाया, पहले स्टोव चलते थे गैस चूल्हे तो अब आए हैं, स्टोव जलवाया और कढ़ाई में तेल जब खौलने लगा, उबलने लगा, फेना देने लगा, तब मैंने लड़की के भाइयों से कहा कि अपनी बहन के हाथ पैर पकड़ो। क्यों पकड़ो? कस के उन लोगों ने पकड़ा और मैंने वो खौलता हुआ तेल कटोरी में लेकर चिमटे से पकड़ के मैंने कहा इसका चेहरा इधर लाओ, इसके कान में ये डालूंगा खोलता हुआ तेल। बोले क्यों? मैंने कहा वो शैतान जो इसके अंदर घुसा हुआ है, जो जिन्नात, वो कान के रास्ते से ही बाहर निकलेगा, जब कान में डालेंगे तो इस कान से या नाक से या आंख से बाहर निकलेगा, ये तेल खोलता हुआ कान में डाला जाना जरूर, पकड़ो जल्दी ठंडा हो जाएगा। खोलता हुआ तेल जो मैं लेके आगे बढ़ा और जब उस लड़की ने देख लिया बचने का कोई रास्ता नहीं, तो कहती है हट, हमें कुछ नहीं हुआ, हट हट, कैसा मौलवी हमारे कान फाड़ने आ गया, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता, अरे हमें कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा सच बताइए कब से ये हरकत कर रही है? तब उसने कहा 2 साल से। और बात वही निकली, एक क्रिश्चियन लड़का था, एक ईसाई लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, उसने कहा मेरे बाप वहां शादी नहीं होने दे रहे, इसलिए हमने ये ड्रामा करना शुरू किया ताकि ये मान जाए। नौटंकियां अपने घरों से शुरू हो रही है, हम समझते हैं नहीं, बहुत भरोसा है हमें अपने घर की बेटियों पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% नौटंकी और ड्रामेबाजी, और 5% होता भी है तो अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज बताया है। सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, चारों कुल पढ़िए, मुअव्वज़तैन खास तौर पर पढ़िए, दम करिए, आपने उसका इलाज भी बताया है, आपने उसका तरीका भी बताया है। और अफसोस कि हमारे पास एक माहिर हकीम है, एक माहिर डॉक्टर है, एक एक्सपर्ट हकीम है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो हमें इलाज बतला रहा है जादू और टोने का, लेकिन आज हम इन कठमुल्लाओं के पीछे पड़े हुए हैं। लोबान जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, लाल काला धागे से नापते हैं ऊपर से नीचे तक, थोड़ी देर के बाद वो धागा छोटा हो जाता है, फिर नापा, फिर वो बड़ा हो गया, ये देखो इसके ऊपर जादू का असर है। ये हमारे सामने जरा डोरा नाप के देखो, हम बताते हैं कि कैसे छोटा होता है और कैसे बड़ा होता है। और मुझे उन लोगों ने बताया जो ये सब करते थे,
और जिन्होंने तौबा कर ली, जिन्होंने तौबा कर ली और कहा कि अब हम ये गलत काम नहीं करेंगे, उन्होंने बताया मौलाना ये डोरा छोटा कैसे होता और बड़ा कैसे होता है, उन्होंने बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, दिन भर में 24 घंटे में 100 मर्तबा ये दुआ पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा ला कुल्ल शैइन कदीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दिन भर में 100 मर्तबा ये वजीफा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा ला कुल्ल शैइन कदीर, उस शख्स को कभी जादू और टोने का असर नहीं होगा, उसके ऊपर कभी जादू का असर नहीं होगा, कभी शैतान उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकता है। पढ़िए, हम आपको दुआएं बतला रहे हैं और आप भरोसा करते हैं कठमुल्लाओं के ऊपर। अब 100 मर्तबा पढ़ना है, अब आप उसको चाहे जैसा बना लो, हर नमाज के बाद 200 मर्तबा पढ़ना शुरू कर दो, 5 नमाजों में हो गया, 100 मर्तबा पढ़ना, 20 हर नमाज के बाद 20 मर्तबा पढ़ना शुरू कर दीजिए, 5 नमाजों में 100 मर्तबा हो गया, या फजर के बाद बैठ जाइए मस्जिद में और 100 मर्तबा एक ही बार में पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप मस्जिद से बाहर निकल आइए, हो गया 100 मर्तबा। आप को 100 मर्तबा पढ़ना है, चाहे आप 5 नमाजों में 20-20 मर्तबा पढ़ लें, चाहे आप एक ही नमाज में 100 बार पढ़ लें, चाहे आप सुबह 50 बार पढ़ लें, शाम को 50 बार पढ़ लें, आप उसको बांट भी सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। आपको 24 घंटे में दिनों रात में 100 मर्तबा पढ़ना है, आप अपनी सहूलत के अतबार से सोच लें और पढ़ लें, आपके ऊपर शैतानी असर, जादू और टोने का असर नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, पढ़िए बुखारी किताबुद्दाबाद किताबुज़िक्र व दाबाद। मेरे भाइयों, आपको बुखारी के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल हमें दुआएं बतला रहे हैं और हम कठमुल्लाओं के पीछे भाग रहे हैं। दूसरों को ताबीज देता है, उसको खुद नहीं मालूम कि मेरी बेटी किसके साथ भागने वाली है। कोई लड़का जाए, साहब मौलाना साहब ताबीज दे दीजिएगा, क्या हुआ, फलां की बेटी से प्यार है लेकिन वो हमें घास नहीं डालती। इमाम साहब ताबीज भी दे देते हैं और कहते थे काले कपड़े में लपेट लेना और उस लड़की के सामने आ जाना, मचल जाएगी, भागते हुए तेरे पास आ जाएगी। एक ने कहा, मौलाना साहब आपकी बेटी से प्यार है, जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं करता है वो दूसरों को फिर ताबीज बना के क्यों दे रहा है? अगर ये काम जायज होता तो तूने अपनी बेटी का नाम सुनते ही उसको भगा क्यों दिया? और अगर अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता तो फिर दूसरी बेटी को भागने का, मचलने का और उसको बेकाबू होने का ताबीज तू क्यों देता? दूसरों की बेटी बेटी नहीं, तेरी बेटी बेटी है, दूसरों का कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, समझ में नहीं आता मेरे भाइयों, ये कहां से ये सब चीजें निकली हैं? अगर ये दीन का काम है तो तुझे क्यों बुरा लगा अपनी बेटी का नाम सुनकर? और अगर ये दीन का काम नहीं है तभी तो तुझे बुरा लगा, फिर तो दूसरों के लिए कैसे दे रहा है? आप इसको इमाम कहेंगे, आप इसको मौलवी कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा है ये सब नौटंकी करते हैं और ड्रामेबाजी। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई, तिलावत कीजिए। अब आप समझ गए होंगे तिलावत किसको कहते हैं और ये भी समझ गए होंगे कि कुरान का पढ़ना क्या है। हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, अकीम सलाह, नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए, पढ़िए नहीं, नमाज को कायम करना क्या है और पढ़ना क्या है, जैसे अभी बताया कुरान को पढ़ना क्या है और तिलावत क्या है, अब आप सुन लीजिए नमाज को पढ़ना क्या है और नमाज को कायम करना क्या है। अल्लाह नमाज को कायम करने के बारे में फरमाता है, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, ये नमाज मुसलमानों के ऊपर अपने वक्त के ऊपर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर फर्ज की गई है।
जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, जोहर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। समझ रहे हैं ना आप? अब थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ। फजर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, अगर असर की नमाज पढ़ना फर्ज होती तो अभी कितने बज रहे हैं? रात का एक बज रहा है। अल्लाह मैं कल असर की नमाज की नियत अभी कर रहा हूं और कल की असर में अभी पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, असर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। मगरिब की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, मगरिब की नमाज उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। इशा की नमाज फर्ज नहीं है, इशा की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। हाँ, सफर में हैं अगर आप तो अल्लाह के रसूल ने हमें इजाजत दी है, हम जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। चाहे तो जोहर में ही असर मिला लीजिए, या असर के टाइम पर जोहर असर दोनों पढ़ लीजिए, या जोहर को बेहतर और अफजल है जोहर को थोड़ा लेट कर दें और असर को थोड़ा पहले कर लें और दोनों को मिलाकर आप पढ़ लें। आपको शरीयत इजाजत देती है, लेकिन दो नमाजें सोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। मगरिब और इशा, यही कंडीशन मगरिब और इशा में भी है। मगरिब में ही इशा पढ़ लें, या इशा में मगरिब और इशा दोनों पढ़ लें, या मगरिब को थोड़ा ताखीर कर दें और इशा को थोड़ा पहले कर लें और दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ लें। जब आप सफर में हो तब, या बारिश हो रही हो और रुकने का नाम न लेती हो और खदशा है कि ये बारिश मगरिब के टाइम हो रही है, इशा तक बंद नहीं होगी, तो आप मगरिब ही में मस्जिद में इशा भी जमात के साथ पढ़ सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं। और जवाब की दलीलें मौजूद हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दो ही नमाजें, जोहर असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ। अब आप चाहें असर और मगरिब एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप चाहें इशा और फजर एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप चाहें कि फजर और जोहर एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा, फजर और जोहर एक साथ नहीं होगी, असर और मगरिब एक साथ नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ जोहर और असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ, इशा और फजर एक साथ नहीं, फजर और जोहर एक साथ नहीं, असर और मगरिब एक साथ नहीं, जोहर और असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ। सिर्फ सफर में या मजबूरी में इजाजत दी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब सुनिए पढ़ना क्या है। इशा की अजान हो रही है या मगरिब की अजान हो रही है, आवाज हमारे कानों में जा रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमें मालूम है कि मगरिब के बाद फौरन जमात खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है। सुनिए, दो ओवर तीन ओवर बाकी रह गए हैं। हमने सोचा चलो यार, मैच तो रोज रोज नहीं आता है, मगरिब बाद में पढ़ लेंगे। अब आप उस दो ओवर को पूरा देखने के लिए रुक जाते हैं, अजान की आवाज सुनने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि दो ओवर जब तक खत्म होंगे हमारी जमात निकल जाएगी, इसके बाद जानबूझकर आप नमाज छोड़ रहे हैं। और पूरा ओवर देखने के बाद अब आप मस्जिद में जाते हैं, जमात खत्म हो चुकी है, वजू बनाते हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं। यह है नमाज पढ़ना। आपने नमाज कायम नहीं की है, आपने नमाज पढ़ी है, आपके ऊपर मगरिब की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं था, मगरिब की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज था, आपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, आपने वक्त निकल जाने के बाद जानबूझकर वक्त निकाल देने के बाद आपने नमाज पढ़ी है, ये नमाज पढ़ना तो हो गया लेकिन नमाज कायम करना नहीं हुआ। समझ गए? हम कुरान लेके बैठ गए और एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ लिया, हमने कुरान पढ़ तो लिया लेकिन कुरान की तिलावत नहीं हुई,
हमने नमाज पढ़ तो ली, लेकिन ये नमाज पढ़ना हुआ नमाज का कायम करना नहीं। शिया लोग नमाज पढ़ते ही तो हैं, नमाज कायम नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो शिया हज़रात? पांचों वक्त की नमाज एक ही टाइम में पढ़ लेते हैं, खड़े अल्लाह, बल्कि वो एक एक हफ्ते की भी घटती पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते तक छुट्टी मिल जाएगी। और उनके यहाँ सुन्नतें नहीं है। मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मैं लखनऊ में रहता हूँ इस वक्त, और लखनऊ शियों का गढ़ है। मेरे पांच छह लोग, पांच छह साथी बहुत दोस्त हैं लखनऊ में शिया हज़रात। कभी कभी उनके साथ चाय वाय भी पीना होता है, रहते हैं तो जाहिर बात है कि उनसे दुश्मनी तो नहीं रखी जा सकती है, पड़ोस पे है, चाय भी पीते। उनके यहाँ सुन्नतें नहीं है, वो हमें बताते हैं। हम लोग सुन्नतें कहाँ पढ़ते हैं? हमारे यहाँ फजर भी दो रकात है, जोहर भी दो है, असर भी दो है, मगरिब भी दो है, सब पढ़ते पांचों टाइम की, लेकिन सारी नमाज वो दो दो रकात पढ़ते हैं। और इतनी बड़ी गिट्टी पर, जिसको वो सिदका बोलते हैं, सिदका, उस पर सर रखते हैं, यानी मिट्टी का वो होता है, और करबला की वो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का इतनी बड़ी, इतना बड़ा टोकन सा बना होता है जिसको सिदका बोलते हैं, उसको वो जमीन पर रखकर उस पर सजदा करते हैं। वो कहते हैं कि इस जमीन पर हमारा सजदा नहीं होगा, करबला की मिट्टी पर हमारा सजदा होगा। तो वो करबला की मिट्टी से सिदका बनता है और उस पर वो सजदा करते हैं। तो वो कहते हैं दो ही दो रका, हमारे यहाँ सुन्नतें नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दो जोहर, दो असर, दो मगरिब, दो इशा, दो फजर पढ़ना ही है उनको। तो वो क्या करते हैं? दस रकात हो गई, पांच वक्त की नमाज में दस रकात, तो दस दस करके वो पचास पढ़ लेते हैं, बोले पांच दिन की हमने पढ़ ली। कभी सत्तर पढ़ लेते हैं, बोलते एक हफ्ते की हमने पढ़ ली। और कभी कभी वो खाली हैं तो एक एक महीने की भी एडवांस पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं नमाज पढ़ना। ये नमाज पढ़ना है, नमाज का कायम करना नहीं। और यहां अल्लाह ताला कहता नमाज कायम करो, फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। कभी आंख लग गई कोई बात नहीं, जब आंख खोले तब पढ़ लो, जब आंख खोले तब पढ़ लो। लेकिन कभी रोजाना का ये मामूल नहीं बनाया जा सकता है। अगर रोजाना आप सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कायम नहीं कर रहे हैं। और इस नमाज के पढ़ने पर अल्लाह सवाब देगा या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जाने। नमाज रोजाना पढ़ने की आदत डालोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के पढ़ने पर हमारी नमाज भी कबूल करेगा या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ने हुक्म तो दिया नमाज कायम करने का, नमाज कायम करो उसके वक्त पर पढ़ो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला नो, जिन्होंने लंबी उम्र पाई, अबू बकर का जमाना भी पाया, उमर का जमाना भी पाया, उस्मान का जमाना भी पाया, अली का जमाना भी पाया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में ये जिंदा हैं, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब नमाज पढ़ाते थे तो ये उनके पीछे नमाज पढ़ने चले जाते थे। लेकिन कभी कभी उस मस्जिद में ये पहले नमाज पढ़ लिया करते थे। हजरत अनस पहले नमाज पढ़ के चले आया करते थे। लोगों ने शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन अनस कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। ये हमें लगता है कोई फितना खड़ा करना चाहते हैं, पहले नमाज पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। बुलाया गया हजरत अनस को, क्या तुम जमात में इंतशार पैदा करना चाहते हो? क्या तुम जमात में इख्तलाफ डालना चाहते हो? क्या तुम जमात में लड़ाई और झगड़ा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी कौम को दो हिस्सों में बांटना चाहते हो? कहा मैंने क्या किया? का सुना है कभी कभी तो तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते हो और ज्यादातर तुम पहले नमाज पढ़ के चले जाते हो और मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हजरत अनस कहते हैं बिल्कुल सही कहा है आपने, आए खलीफतुल मोमिनीन, कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं और अक्सर दिनों में मैं पहले नमाज पढ़ के चला जाता हूं, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछा क्यों? उसी की तो वजाहत चाहिए मुझे, उसी को तो क्लियर करो। तो फरमाया कि जब मैं देखता हूं कि आज आप नमाज पढ़ाने जल्दी आ गए, और मैं देखता हूं कि जुहर सुन्नत के मुताबिक, असर सुन्नत के मुताबिक, इशा और फजर सुन्नत के मुताबिक, यानी जो टाइम है उस टाइम पर आप पढ़ाते हैं, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं।
और जब आप सुन्नत के तरीके से हट जाते हैं, नमाज को लेट कर देते हैं, तो मैं पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर चला जाता हूं। फरमाया, ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अनस ने कहा, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी का जमाना देखा है और मैंने नबी के नमाज के औकात को देखा है। मेरी आंखें जानती हैं, हम अल्लाह के नबी के जमाने में थे, हमारी आंखें पहचानती हैं कि अल्लाह के नबी फजर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी जोहर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी आसर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी मगरिब कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ईशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को देखा है। जब आप नबी के तौर तरीके पर और नबी के वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब आप नबी के तरीके से हट जाते हैं और नमाज में लेट करते हैं, तो फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, फिर मैं आपके पीछे नमाज अदा नहीं करता। देखा, जो लोग जोहर की नमाज को 1:30 बजे और 1:45 बजे पढ़ते हैं, वो जरा अपने गरीबानों में झांके। जो असर की अजान टाइम हो रहा है 2:30 बजे और जो 4 बजे पढ़ते हैं, वो लोग जरा सोचें। हजरत अनस ने कहा, मुस्तद अहमद की रिवायत है, खोल कर देख लो 6 जिल्द में, कहा जब आप नबी के टाइम पर नमाज पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूं, और जब आप लेट करते हैं तो मैं पहले पढ़ के चला जाता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने नबी की नमाज के औकात को देखा है, मेरी आंखें नबी की नमाज के टाइम को पहचानती हैं। नमाज पढ़ना नहीं बताया है अल्लाह ताला ने, नमाज को टाइम पर पढ़ना बताया। और पूछा अल्लाह के रसूल से सहाबा ने, अय्युज़म्बी अफ़ज़लू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सबसे अच्छा और अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलातो ले वक्त, यहां नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सबसे अच्छा अमल है, नमाज को उसके वक्त पर पढ़िए। नमाज वक्त पर फर्ज की गई है, यह है नमाज का कायम करना। जन्नत के अर्श के साये में कौन होगा? सात आदमी जो अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उनमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहला इंसान कौन होगा? इमाम आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला अमीर, अदल व इंसाफ करने वाला हाकिम, जो अपनी आवाम अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ करता होगा, अदलो इंसाफ करने वाला बाप जो अपनी तमाम औलादों के दरमियान अदलो इंसाफ करता होगा। ये नहीं चलेगा, मेरे बड़े बेटे ने ज्यादा खिदमत की तो बड़े बेटे को ज्यादा जमीन दे दो, मेरे छोटे बेटे ने कम खिदमत की मुझे पूछता नहीं तो इसको कम हिस्सा दे दो, जिसने मेरी ज्यादा खातिर मदारात की उसको हम ज्यादा दे दें, और जिसने कम की उसको हम कम कर दें। जहां अदलो इंसाफ का पलड़ा खराब हुआ, जहां अदलो इंसाफ में कमी हुई, इस बात की नमाजें इसके मुंह पे मार दी जाएंगी, और कयामत के दिन अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये याद रखना, ये याद रखना, ये नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा बाप देखता कि देखें बुढ़ापे में मेरी कौन ज्यादा खिदमत करता है, और जो ज्यादा खिदमत किया उसको उसमें खुश हो गया और उसको ज्यादा दे दिया, ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च हो गया, इसको जमीन की क्या जरूरत है? 10 लाख खर्च कर तो दिया, 10 लाख नहीं 10 करोड़ का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को, तब भी वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में हकदार होगी, उसका हक कोई मार नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कयामत के दिन वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो बाप, अल्लाह की कसम, सातों जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अरे 2 किलो का बांट अभी गले में डाल दे तो गर्दन ऊपर नहीं होगी, सातों जमीन का तौक कैसे उठाओगे? एक बालिश्त भी अगर किसी ने जमीन किसी की मारी, ये कितनी है? ये एक बालिश्त, ये यहां से लेके यहां तक इतनी जमीन भी अगर किसी ने किसी की नाजायज मारी, अल्लाह के रसूल फरमाते सातों जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। 5 किलो का बाढ़ उठा नहीं पाओगे, अभी गर्दन में डाल देते ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ये जमीनों का बोझ कैसे उठाओगे? सोचो, साथ ये, और होंगे ऐसे बहुत से लोग, किसी ने अपने भाई का हक मारा होगा, कोई अपनी बहनों का हक मारे बैठा होगा, ऐसे भी मां बाप होंगे जिन्होंने एक औलाद को ज्यादा दे दी होगी, एक को कम दे दी होगी, ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया होगा,
शादी करा दो दी, क्या होगा? ये नमाज का टीका देकर धोखा मत खा जाया करो, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। किसी की लंबी दाढ़ी देखकर धोखा मत खा जाया करो, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। नहीं चलेगी ये सब, ये देखो कि उसके मामलात कितने सही हैं, सारी औलाद उससे खुश है या नहीं, उसकी बेटियां उससे खुश हैं या नहीं। हमारे यहां रमजान का महीना था इटावा में, और हम मस्जिद के अंदर वजू बना रहे थे रमजान में, जुमेरात का दिन था, तो एक लड़का मेरे बगल में वजू बना रहा था, बड़ा आदमी था लड़का, मतलब आदमी, और उसकी बहने 6 महीना पहले हमारे घर पे आके अपने इसी भाई की शिकायत कर चुकी थी, और वो हमसे मसला पूछने लगा रोजे की हालत में, और वजू बना रहे हैं मस्जिद में, जो टोटियां होती हैं तो उसमें हम वजू बना रहे हैं, तो वो ऐसे कुल्ला उल्ला करने के बाद कहता है मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा जी बोलो, कि ये कुल्ला करते हैं जो रोजे की हालत में ऐसे पानी फेंक देते हैं, तो जबान में थोड़ा पानी तो चिपक ही जाता है, ये भाई पानी हमने कुल्ला किया तो थोड़ा सा जो पानी जबान में चिपक गया, और अगर ये हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजे में फर्क पड़ेगा? गौर कीजिए, बजाहिर कितना मुत्तकी लग रहा है, कितना परहेजगार लग रहा है, रोजे में हमने कुल्ला की, कुल्ला करेंगे ही, कोई वजू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे नहीं, अब जाहिर है कि कुल्ला जब करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं करेगा ना, दांतों से रगड़ रगड़ के पानी तो नहीं फेंकेगा ना, तो अब जो पानी जबान में लग गया लग गया, अगर वो थूक के साथ निकलकर वो पानी भी हलक में चला जाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही हदीस है, ना उस पर हमारा मुआवजा होगा। कुल्ला करने का हुक्म दिया, हमने कुल्ला किया, हाँ मुंह का पानी हलक के नीचे हमने नहीं उतारा, लेकिन अब जबान में जो चिपक गया वो हलक में चला जाए या थूक हमने निकल लिया वो, उस पर कोई फर्क नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमरात है, कल जुमा है, मैं खुतबा यहीं दूंगा शाही जामा मस्जिद में इटावा में, ये मसला कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो नहा धो के अगली सब में पहले बैठा है आके, क्या आज मौलाना बताएंगे, तो हमने 20 मिनट तो इधर उधर की तकरीर रोजे की फजीलत अजील पर बयान करके आगे बढ़ी पढ़ाई बात, कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कल एक साहब ने मसला पूछा, भैया तुम ही तकरीर कर लो या हमें करने दो, ऐसे नहीं होता है, वो छोड़िए। अरे भाई साहब आप लोग ऐसी हरकत मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मौलाना की तकरीर आराम से सुनिए आप। मोबाइल नहीं, वो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है वहां, तो मैंने उसको कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मसला अच्छा पूछा, मैंने कहा उसने पूछा कि हलक जो जबान में पानी चिपक जाता है अगर वो हलक के अंदर चला जाए तो उस पर रोजा टूटता या नहीं, रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैंने कहा सुनो, अपने रोजे की इतनी हिफाजत करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस यह है कि यह मसला वो पूछता है जिसने अपनी बहन का हक मार के खा लिया है और बहन को बे यारो मददगार छोड़ दिया है, अपनी बहन के हक को मारकर अपनी जमीन में उसने मिला लिया है, अपनी बहनों का हक मारने वाले ये मसला पूछते हैं हमसे कि रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसका सर सर नीचे, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई हमें नाम बताना ही नहीं था, ना उसको रुसवा करना था, एक एहसास दिलाना मकसद था, अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो लेकिन बंदों के हक मार रहे हो, अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है लेकिन बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब लोग इटावा में मौलाना यार किसके बारे में कहा है, दो चार आदमी, मैं समझ रहा हूं तीर किसको लगा, मैंने कहा समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे कभी कभी वो लोग जो कूफा में जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, कत्ल किया था, इमाम हरम से मसला पूछते थे वो कि अगर हालत हराम में एक मक्खी या मच्छर में मार दूं तो क्या हमारा हज या उम्रा बेकार हो जाएगा, क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे,
तो हजरत इमाम हरम उसका फतवे का जवाब दे देते थे, जिन्होंने जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर डाला, जानबूझकर हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। हजरत हुसैन के कातिल आज एक मक्खी या मच्छर के मारने के बारे में मसला पूछते हैं कि अगर हालत हराम में मच्छर मार दूं तो क्या मेरे हज पर कोई असर पड़ेगा? हालत हराम में आज वही हाल है मेरे भाइयों, पूरा का पूरा गुड़ खा जाएं और फिर पूछे कि गुलगुले हलाल हैं कि हराम हैं। ये कौम का हाल है जो पूरा का पूरा गधा खा जाएं फिर पूछे कि गधे के पैर हलाल हैं कि नहीं हैं, जो पूरा का पूरा सुअर खा जाएं और फिर पूछे कि सुअर का सर हलाल है कि हराम है। ये वो कौम, हम फिर वही वही बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन अपनी औलाद का या अल्लाह के बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज कायम है और नमाज कोई जुल्म नहीं है। दुनिया में जितने भी नबी जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी पर नमाज फर्ज की थी। कोई एक नबी बता दो जो इस दुनिया में आया और उस पर नमाज फर्ज नहीं। हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतुहु अल-मलाइकतु वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों को हमने भेजा कि जाओ ज़करिया के पास, और जब फरिश्ते जमीन पर आए उन्होंने ज़करिया को पुकारा। फनादतुहु अल-मलाइकतु, फरिश्तों ने हजरत ज़करिया को पुकारा तो हजरत ज़करिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वह हुआ क़ाइमु युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है, फरिश्ते पुकार रहे हैं ज़करिया ज़करिया, और ज़करिया कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? वहुवा क़ाइमु युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में नमाज का पढ़ रहे थे। इस हाल में थे कि वो नमाज कायम किए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में बोला नहीं जाता। तो नमाज हजरत ज़करिया पर भी फर्ज थी। हजरत लुक्मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा कर देते, या बुनैया अकिमिस सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करो, आए मेरे बेटे नमाज पढ़ो, आए मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुक्मान अलैहि सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मार राकीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने रब को सजदा कर, और कई मार रातीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो, गौर करो, ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गया वादी में छोड़ा, जब मैदाने मीना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सला। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, ऐ अल्लाह एक सुनसान जगह पर एक बेआबो गया वादी के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है, लियुकीमुस्सला, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें, कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज हम लोग
आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो, अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अय हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी, हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अय हमारे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब जालनी मुकीमस्सला, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी ऐ अल्लाह नमाजी बना दे। रब जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती وكان عند ربه مرضيا। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे बच्चों नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे, وكان عند ربه مرضيا, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, हाय मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। चढ़ गए जबले तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, इन्नी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह मूसा से कह रहा है इन्नी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाह इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाह इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। क्या कह रहे इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही इबादत करो, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही पूजा करो। और इबादत में तो बहुत सी चीजें शामिल हैं, बहुत सी, इसलिए नमाज का जिक्र अलग कर दिया गया। ऐ मूसा तो फिर मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो, वह अकीम सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो, वह अकीम सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फअबुदनी बस मेरी ही इबादत करो, वह अकीम सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने का खुसूसी हुक्म दिया कि वह अकीम सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो। यहां मरियम के पेट से ईसा पैदा हुए, और ये तो आप सब जानते हैं, बगैर बाप के पैदा हुए ईसा, मरियम ने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया, तो जाहिर है कि आवाजें तो उठना थी। जो चीज कभी ना हो वो नमाजी औरत मेहराब में अल्लाह की इबादत करने वाली, अपने घर के कोने में मुसल्ला पकड़ कर इबादत में रहने वाली औरत,
शादी से पहले माँ बन जाती है। लोगों ने कहा वाह 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इबादत करने के मामले में देखो हर वक्त मुसल्ला बिछाती है, और हाल यह है कि उसने बगैर शादी के बेटा पैदा किया, यानी नाजायज बच्चा। हजरत मरियम खामोश हैं, हर चीज का जवाब नहीं होता है, सीखो कुछ, हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। हजरत मरियम खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। जब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया और लोग आए और कहने लगे मरियम तुम्हें साफ साफ बताओ ये बात क्या है, लोग क्या क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं, तो हजरत मरियम ने इशारा किया मुझसे क्या पूछते हो, ये बेटा किसका है, इसका बाप कौन है, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ उसी बच्चे से पूछ लो। और ईसा अलैहि सलाम तो अभी दूध पीते बच्चे हैं, पालने में झूल रहे हैं, उम्र ही क्या है, पैदा हुए या कचोके लगे अभी उम्र है ही क्या, पालने में झूल रहे हैं, गहवारे में पड़े हुए हैं झूले में। तो क्या कहते हो, हंसते हुए लोग, अरे मरियम किसके पास भेज रही है, बच्चे के पास, ये क्या बोले। हजरते मरियम कहती तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, इस बच्चे से पूछ लो ना, तुम पूछना चाहते हो कि मेरे ये बच्चा जो पैदा हुआ किसका है ना, यही ना जानना चाहते हो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे, इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों ने कहा कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, कुरान के अल्फाज देखिए, कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, इस बच्चे से क्या पूछूं, अरे मरियम इस बच्चे से क्या पूछूं जो बोलना नहीं जानता है, जो अभी बच्चा है और पालने में झूल रहा है, गहवारे में पड़ा हुआ है, इस बच्चे से क्या बोलूं जो क्या जवाब देगा, ये कल का लड़का, ये बेचारा क्या बोलेगा, इससे क्या पूछूं, तू बता। उधर ईसा सुन रहे हैं, छोटे से हैं, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, सुन रहे हैं कौम के लोगों की बातें सुन रहे हैं, और जब कहा ये क्या बोलेगा, ये तो बच्चा है अभी पालने में झूल रहा है, ये क्या बोलेगा, तो इस ईसा बोल पड़े, छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, कुरान क्या कहता, ओफो कुरान की आयतें सुन लो, आज की तरह कुरान की आयतों से और हदीसों से भरी हुई तकरीर मेरे भाइयों शायद आम जलसों में इस तरीके की नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। आज पूरी की पूरी तकरीर मुदल्लल सिर्फ किताबो सुन्नत पर मबनी है जो मैंने आपके सामने पेश की है, वरना और तकरीरों में कभी इधर की, कभी वो वेदों की बातें, कभी उधर की बातें, कभी ये लोगों की फरमाइश पर, कभी मंत्र मंत्र, ये सब चलते हैं, लेकिन आज खालिस कुरान और हदीस पर मबनी ये तकरीर हमने आपके सामने रखी है। शायद समझ लो कि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये मौजू मेरे जहन में आया कि चलो इसी पर बोला जाए। वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, क्या कहा उस बच्चे ने, जब उन लोगों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो झूले में पड़ा है, बच्चा है, क्या बोलेगा, इधर ईसा कहते इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है, ये तो बोल रहा है, कौन है, आवाज आई, सब लोग इधर, और ईसा क्या कह रहे हैं, छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानी अल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारक नैनमा कुंतु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या। कुरान की आयत पर रश करो, छोटा सा बच्चा बोल कर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मेरे माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए, सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूँ, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया, अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है, मेरा कोई पाप नहीं है, जो कुछ भी है मरियम मेरी माँ है, और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं
जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी, यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा है, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी, वजअलनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, वजअलनी मुबारक नईनमा कुंतु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी, मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरे पीछा करेगी, मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है, वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहां पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे ये हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है मेरे भाइयों। डेढ़ घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया होगा, सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा, और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा, और अगर मस्जिदें भरी रहीं और आपने नमाज की पाबंदी कर ली तो समझ लीजिएगा कि जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब हो रहे हैं, आपका पैसा सही जगह पर गया है मेरे भाइयों। इस डेढ़ घंटे के और भी वाला जिक्रुल्लाह ही अकबर भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, तो जिक्र इलाही से अपनी जबान को मुजय्यन रखो, हर वक्त पढ़ते रहो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो कलमात ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन कयामत के दिन मीजान पर जब तोले जाएंगे तो बहुत भारी होंगे, तराजू पर जब रखे जाएंगे कयामत के दिन तो बड़े भारी होंगे, उनसे ज्यादा भारी कोई और दूसरा जुमला नहीं। तो फरमाया कौन? कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाह अलअजीम। इन जुमलों को पढ़ते रहिए, वजीफा बनाइए, जिक्र करिए, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी कुरान में जहां जिक्र का लफ्ज आया उससे मुराद नमाज भी है, वमन अअरज़न ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, तो हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, और अल्लाह ने कहा अगर तुम जिक्र नहीं करोगे यानी नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह क्या कहता है, फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा तंग कर देंगे। रोजी का बंद करना अलग होता है, रोजी का तंग करना अलग होता है। बंद करने का मतलब एक घूंट पानी भी ना दे, और तंग करने का मतलब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। हमने कमाया, आज खुश है, 5,000 रुपए कमाए हैं, घर लेके गए, खुश है, आज मेरी बीवी खुश होगी, आज मेरा बच्चा खुश होगा, आज हम अच्छी, आज खाना आज हमारे घर में अच्छा बनेगा, आज हमने 5,000 रुपए कमाया है। जैसे ही घर पहुंचते हैं पता चला कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से लेके डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, डॉक्टर ने 15,000 का खर्चा बता दिया है, पैसा तो आया 5,000 और खर्च हो रहा है 15,000, 10,000 हमें कर्ज लेना पड़ा। यह है रोजी को तंग कर देना। ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जिनके पास पैसा आता तो है बहुत लेकिन रुकता नहीं है, एकदम फिसल जाता है। जैसे हम बालू उठाते हैं जमीन से, मजबूती के साथ मुट्ठी में पकड़ते हैं और मजबूती से पकड़ते, जितनी मजबूती से मुट्ठी बंद करते हैं बालू उतनी तेजी के साथ खिसक जाती है। हमारे पास जितनी तेजी के साथ पैसा आता है उससे दुगनी रफ्तार से वापस चला जाता है। पता चला मेरे बेटे को कैंसर हो गया, पता चला मेरे बेटे की, मेरी बीवी की किडनी फेल हो गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज करोगे
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ, ہم تمہارے لئے روزی کو تنگ کر دیں گے. اور وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے, ہر معاملے میں اللہ کا خوف کھاؤ گے, تو ہم نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے بندے کو ہم وہ گمان بھی نہیں ہوگا. ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے, اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہم وہ گمان سوچا بھی نہیں ہوگا, یہاں سے روزی آ جائے گی. اور اگر نماز سے روگردانی کرو گے, اعراض کرو گے, تو ہم تمہیں تنگ کر دیں گے, روزی تنگ. اچھا, اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھ لو, قرآن نے کہا نا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, جو نماز سے اعراض کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز چھوڑے گا, نماز چھوڑنے والا تو مسلمان کی صف میں ہے ہی نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, لیکن نماز جو چھوڑتا تھا نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. تو نماز چھوڑنے والے کی تو حیثیت ہی الگ ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز سے اعراض کرے گا, اعراض کہا ہے, چھوڑنا نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا من اترک سا, یہ نہیں کہا من اترک ذکری, جو میرے ذکر کو چھوڑے گا. من ترک ذکری, یہ نہیں کہا من ترک ذکری, جو میرے ذکر کو چھوڑے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر یعنی نماز سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب, ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, دیکھو سب سے بڑی بات بتلا رہا ہوں, ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, اس کا محبوب شو آ رہا ہے, ڈرامہ آ رہا ہے, اور ادھر بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے, لیکن وہ ابھی اٹھ نہیں رہی ہے, رو رہا. ٹھیک ہے, پہلے یہ سیریل دیکھ لوں, 10 منٹ کا رہ گیا سیریل, اس کو دیکھ لوں. اگر ہم بچے کو جائیں گے تو سیریل چھوٹ جائے گا, رک جاؤ. بچہ رو رہا, رونے دے رہی ہے اور سیریل دیکھ رہی ہے. 5 منٹ کا سیریل جب ختم ہو گیا, تب آئی اور بچے کو اٹھائی اور دودھ پلایا. دیکھیے, دودھ تو پلایا, لیکن جس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی اس وقت اس نے بچے کی طرف توجہ نہیں دی. کیا کہتے ہیں؟ ماں نے اعراض کیا ہے, ماں بچے سے اعراض کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. دودھ پلایا لیکن وقت پر نہیں, جب بچے کو بھوک لگی تب نہیں, اعراض کر گئی جب اپنا سیریل دیکھ لیا تب لائی اور تب دودھ پلا رہی ہے, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اذان ہوئی, حی علی الصلاہ, ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ لیٹرین ہے, نہ بیمار, کسی چیز کچھ نہیں, اور پھر بھی ابھی جائیں گے, ابھی پڑھ لیں. اب یہ مطلب ہوا کہ آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. بعد میں جب نماز پڑھی تو جماعت ہو چکی تھی, نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت نکل جانے کے بعد پڑھی, اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اللہ نے چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا, نماز جو چھوڑتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. یہاں نماز سے جو منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, وقت بے وقت پڑھے گا, اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ تو ان کے بارے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ٹال مٹول کر ہی صحیح, یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے. جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ان کے بارے میں کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں. تو اللہ کے ذکر سے میں لگے رہیے, نماز سے اعراض مت کیجئے, اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جائیے, اللہ کو یاد کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے. مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ لال عالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمارے اس مدرسے کے ناظم صاحب ابھی ہم سے کہنے لگے وہاں جب گھر پہ لینے گئے کہ مولانا اگلے سال کی ڈیٹ دے دیجیے. ہم نے کہا اس سال کا جلسہ ہوا نہیں, اگلی سال کی ڈیٹ پہلے دے دیجیے, تو وہ مانگ رہے ہیں. بہرحال میرے بھائیو دعا کیجئے, آپ کی محبتیں رہیں, ہم بار بار آپ کے علاقے میں آئیں. اس مرتبہ بارش ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, جلسہ آپ کا کامیاب رہا ہے, کیونکہ اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو ہم اور آپ چاہیں گے. اللہ کی مرضی چلے گی, اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے, ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے, نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نماز کے اعراض سے بچا لے اور نماز کا پابند بنا دے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरे भाइयों, सेल्फी लेना, बिला जरूरत फोटो खींचना और मोबाइल के कैमरे में किसी आलिम के साथ सेल्फी लेना, ये सब हराम है। लिहाजा आप इनसे बचिएगा। दर्स सुना है, किताब व सुन्नत की तकरीर सुनी है, उस पर अमल कीजिए। और मेरी इस तकरीर के बाद और मेरे मना करने के बाद भी अगर आप सेल्फी लेंगे, फोटो खींचेंगे, तो गुनाहगार आप होंगे, हम नहीं, क्योंकि हमने साफ तौर पर मना कर दिया है। अब अजाब और सवाब के जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जहांगीर आलम से मेरी गुजारिश है कि वो जहाँ भी आए शेख के लिए गाड़ी मदरसे के गेट पे ले आए। जहाँ पर आपने उतारा था शेख को, वहीं पर जहांगीर आलम से मेरी दरख्वास्त।